मॉर्निंग, बहुत बहुत खुश आमदीद आप सबको और बहुत बहुत ईद मुबारक। जो सोते हुए लग रहे हैं सारे, सोए हुए लग रहे हैं, सोए हुए हो हैं, लग रहे सोए हुए। देखिए मैं खुद इस्लामाबाद से हूँ तो सोते तो इस्लामाबाद वाले, लाहौर वाले तो मैंने सुना है बहुत शोर हल्ला गुल्ला करते हैं। तो ये आज आपने मुझे दिखाना है, मैंने सिर्फ सुना है, ये सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते, सामने आपने मुझे बताना है। ईद मुबारक एक दफ़ा फिर, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, अच्छी सी ईद मना रहे होंगे इस वक्त। हमसायों का भी ख्याल किया होगा, बाकियों को भी पूछा होगा आपने, सिर्फ अकेले अकेले नहीं मना रहे होंगे। जैसे रोज़े हम मिल बांट के रखते हैं उसी तरह ईद भी जो है आज मिल बांट के मनाएंगे। और यहाँ पर भी जिन गेस्ट को मैं दावत दूंगी उनके साथ बहुत सारी मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप और हम और हमारे गेस्ट जो है मिलकर करेंगे यहाँ पर। लेकिन उसके लिए एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है, तो जब तक मुझे एनर्जी फील नहीं होगी मैं नहीं बुलाऊँगी गेस्ट को, जब तक नहीं फील होगी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो बुलाएं, क्या है, बुलाएं 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 बुलाएं। सबसे पहले जिन्हें मैं दावत देने जा रही हूँ, हम सब की दिलों की धड़कन, हम सबको उनसे इश्क है और उनको अपने काम से इश्क है, आपकी बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी तालियों में आरिफ लोहार। अगली मैं जिन्हें यहाँ पर दावत देने जा रही हूँ, मॉडलिंग से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, उसके बाद चाहे फिल्म्स हों चाहे ड्रामास हों, और इस वक्त मेरा पर्सनली टीवी पर जो एक फेवरेट कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, बहुत ही हसीन बहुत ही खूबसूरत, द वेरी 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 टैलेंटेड, कौन कौन, सना फखर। अगली मैं जिन्हें यहाँ पर दावत देने जा रही हूँ, उनकी एक सबसे अच्छी बात ये है कि हम सब तो ईद पर ईदी बांटते हैं, ईदी मांगते हैं, वो ईद के अलावा भी ईदी बांटती हैं और लोग बहुत खुश होते हैं इस बात से। मॉडलिंग में भी उनका नाम है और टीवी पर भी आपने उनको बेहतरीन अदाकारा की शक्ल में देखा है, द वेरी ब्यूटिफुल वेरी टैलेंटेड फिज़ा अली। हमारे आज के अगले मेहमान लास्ट तो नहीं है, बड़े सरप्राइजेज हैं आज इस शो में जिनको हमने सबसे ज़्यादा वेट करा दिया, हमारी स्पेशली यंग जेनरेशन के हार्ट थ्रॉब, बहुत ही खूबसूरत नहीं है, नहीं इनका ज़रा जूम इन करें, ये दी नहीं, नहीं। यंग जेनरेशन के हार्ट थ्रॉब हमारे, द वेरी हैंडसम द वेरी टैलेंटेड द वेरी लिरिकल बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखने वाले, कौन है भाई, ज़ोर से ज़रा आवाज़ लें उनकी, अमानत अली। Assalamualaikum, welcome and Eid Mubarak to you all. Assalam, khair mubarak. अच्छा सबसे पहले मैं शिकायत लगाऊं, जब मैंने कहा कि यंग जनरेशन के हार्ट थ्रॉब तो वो बहुत सख्त शर्माना शुरू होगी, मुझे नहीं पता आप डिनाई कर रही थी कि आप एक्सेप्ट नहीं, वो कह रही थी सिर्फ मेरे, देखे है ना, नहीं 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 अब जो है ना कह रही है, हाँ वो कह रही थी सिर्फ मेरे हार्ट फेवरेट है, तो शर्माना मेरा बनता शर्माना शर्माना और चेक करें उल्टा। अच्छा जी, कैसा कैसा प्लान है आपका इस ईद पे, क्या करने जा रहे हैं, अपने प्लान तो शेयर करें पहले। सुंदर सर, एक तो बहुत अच्छा लगता है कि हम आर्टिस्ट हम सिंगर्स ये जितने भी मतलब हम एक फ्रेटर्निटी है, अपनी उन तमाम मुसलमानों के साथ जो भी हमें देख रहे होते हैं पाकिस्तानियों के साथ शेयर करते हैं, और अच्छा लगता है कि किसी को हम मुस्कुराहट दे सकते हैं, हमारी वजह से कोई यू नो खुश हो सकता है, एंजॉय कर सकता है, ईद को ज़्यादा सेलिब्रेट कर सकता है, तो ये इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। क्या जबरदस्त जबरदस्त, डेफिनेटली सर, क्या इरादे हैं जी ईद पर, कैसे मनाएंगे? कुछ नहीं, बस सवैया ही खाएंगे और क्या, सवैया ही खाएंगे, क्या बात है। मतलब एक चीज बहुत अच्छी खिलाते हैं, इससे पहले कि आप मेरी तरफ भी आए, मैं पहले इनकी बात पे भी जरा क्या 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 गौर देना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप भी गौर दें, ये बनाते हैं पानी वाले कबाब जिसमें ना तेल होता है ना घी होता है, पानी वाले कबाब वो ऐसे बनाए जाते हैं कि
बकायदा खुद भी टुबकी लगानी पड़ती है आज खाने के लिए। जब कबाब बन जाए फिर वापस आ जाना वापस। कैसे ये रेसिपी उसको ढूंढना भी वैसे ही है। अच्छा बेस्ट रेसिपी अच्छा जिसमें ना तो कोई आप वेट गेन करेंगे और सबसे ज्यादा टेस्टफुल कबाब होते हैं वो गोश्त अपना खुद पानी में जाके जरूरत नहीं है तेल छोड़ता है। मैं यही कहने वाली थी और मेरी स्मार्टनेस का राज मैं पूछने वाली थी। मैं कुछ बाकी ना हो जाए कि मैंने फिजा को खिला खिला के फिजा मैंने आपको खिलाया माशाल्लाह खुद मैंने बाहर से ऑर्डर किया है। ये सीक्रेट रेसिपी मैं बाहर से करता रहा हूं तुम्हें मैंने वही खिलाया वही खिलाया ना कि आपकी मुझे लगता है ये जो स्मार्टनेस का राज है माशाल्लाह ये वहीं से ये पानी वाले कबाब है। पानी वाले कबाब जो होते हैं वो डिप कर लें बस पानी में अच्छा खोलते हुए पानी में सिंपल है ठीक पकने के बाद नहीं जब वो कच्चे होते हैं ठीक है उसको बना लें उसके बाद में उसको पानी के अंदर डिप हो जाए अच्छा उतने कबाब उसमें डाल दें हाँ। और पानी में वो पकते रहें खोलते अच्छा। हुए पानी में डाल दें ठीक है बिल्कुल जो पकते रहेंगे हाँ। पकते रहेंगे फिर वो पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा बेहतरीन हाँ। कबाब तैयार। वाह ये पहले सुनिए किसी ने रेसिपी ट्राई करना चाहेंगे ये नमक मिर्च वगैरह सारा टेस्ट मैंने सारा उसमें आप वो तो पहले से मिर्चा बना के सारा डाल हाँ। के टिक्की टिक्की बना के जितना टिक्की नहीं इन्होंने जो बनाई थी वो सीख कबाब बनाई थी जैसे रेशमी कबाब होते हैं इन्होंने रेशमी कबाब टाइप बनाया अच्छा उसी तरह पानी में डाल के जब तक वो पानी सूख ना जाए तब तक वो मतलब बेसिकली बॉइल कर रहे हैं जी वेट करें आधा घंटा इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसके बाद तो ये आप मुझे पहले बताते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ईद की रेसिपीज में जो है वो शामिल होने चाहिए बड़े अच्छे हैं हेल्दी कबाब है हेल्दी कबाब जबरदस्त आप मीठी सेवैयां खाने के बाद आपको फिर नमकीन की चीज लाजमी खानी है इंग्लिश में कुछ कहना हो खाने को क्या कहेंगे इस डिश को एक वो होता है ना गोला कबाब गीला कबाब पानी वाले कबाब इंग्लिश वाले कबाब इसको boiled water something boiled water patties water kebab water patties water kebab hot water hot water kebab yes hai na arif lohar special ab dekhna special bhi hona chahiye na saath mein baat hai ki english mein grammar bahut zyada hai ha ab hota kya hai ki hum log bahut zyada वो उसमें ग्रामर में चले जाते हैं जब मैं बाहर गया तो एक प्रोग्राम था उसमें मेरा गाना बड़ा पॉपुलर था अच्छा। छोटी उम्र प्यार करी ना रुल जाएंगी आज तू नाजुक कली कल तू कंडियां दे नाल तुल जाएंगी तो लोग समझते लोहार है शायद पढ़ा लिखा नहीं होगा हाँ। उसने कहा कि मुझे ये गाना ट्रांसलेट करके सुनाओ अच्छा, मैंने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया मैंने कहा लिटिल एज यू डू नॉट लव मैंने ऐसे नहीं छोटी उम्र प्यार करी ना रुल जाएंगी आज तू नाजुक कली कल तू कंडियां दे नाल तुल जाएंगी लिटिल एज यू डू नॉट लव देन यू विल फेल नो यू प्रिटी फ्लावर नी टू मारो कंडियां दे नाल तुल जाएंगी। बात है कि हमने इंग्लिश को भी देसी तड़का देके पेश कर दिया जबरदस्त जी इससे रिलेटेड मेरे पास आज एक बहुत मजेदार एक्टिविटी बोलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस मैटर करता है एग्जैक्टली जुबान किसी भी अरे क्या क्या और हर जुबान का हर धरती का एक अपनी चाशनी होती है अपनी बिल्कुल आपको बोलना आना चाहिए आपको बताना आना चाहिए। मैंने बहुत सारे क्योंकि मेरा भी इत्तेफाक हुआ है मैंने रशिया थाईलैंड बहुत सारी जगहों पे शूट्स करने के लिए इत्तेफाक होता था बहुत जाते थे अब भी जाना होता है तो बहुत दफ़ा कम्युनिकेशन में जब प्रॉब्लम होती थी तो हम लोग उनको जब समझाते थे उनको इंग्लिश भी नहीं समझ में आती थी लेकिन वो हमें अपनी कुछ चीजें समझाते थे तो मुझे लगता है कि वो आपको बस आना चाहिए समझाना आपकी तो किस्मत अच्छी है कोशिश की किसी ने समझाने की यहाँ पर तो इंग्लिश बोल लेते हैं ना मगर सबसे ज्यादा मजा आता है ऐसे मुल्क में जाकर जहाँ पर इंग्लिश भी ना वो लोग ठीक नहीं बोलते वो कोई नहीं बोलता पता है हम अपनी तरफ से बहुत एफिशिएंट बोलते हैं बेस्ट इंग्लिश बोल दिया यार अंधों में काना बादशाह होता है ना हां बड़ी अच्छी बोलते हैं बड़ी अच्छी बोलते हैं जापान में और चाइना में मैं बहुत एजुकेटेड आदमी उनको इंग्लिश नहीं आती मुझे जापानी नहीं आती इवन यूरोप में भी और आप यकीन जाने कि मैं जब शॉप पे गया तो मुझे एग चाहिए था अच्छा तो मैं एग मांग रहा हूँ तो वो देख रहा है साइडों पे कि क्या मांग रहा है तो एंड पे मुझे वो कुकड़ की आवाज निकालनी पड़ी समझ आ गई उसे समझ आ गई उसे अच्छा आप लोगों की तो किस्मत बड़ी अच्छी हो गया तो हाँ आपने सीखा एग को क्या कहते हैं जापानीज में नहीं एक्चुअली मैं गया था नॉर्थ कोरिया बहुत पुरानी बात है अच्छा। जब मैं नया मैंने स्टार्ट किया था हाँ। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मुझे शौक पड़ा कि मैं इनकी लैंग्वेज में गाऊं
तो मैंने वहाँ पे शायरी भी की। अच्छा। और गाना गाया जोसिन मिनेगे तुर्म निदा किनिल सॉन्ग तोंग जिनोन यंग सिंह हासिम निदा हे यंग योरल छुक्का छुक्का हम निदा पाकिस्तान जो सुन चीन सुन मान से मानसिक जिंदाबाद पाकिस्तान। वाह ये सही बोला है कि गलत बोला है ये हमें से कोई नहीं बता सकता। नहीं 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 ये बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल सही। ओह यस हम जो बोलेगा सही बोलेगा नहीं तो नहीं बोलेगा। नहीं तो नहीं नहीं जबरदस्त यू रिमेंबर मतलब माशाल्लाह। बात है कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना कोई भी आर्टिस्ट है मानत है मैं समझता हूँ कि जितने भी हम जितने भी आर्टिस्ट बैठे हैं सब लोग जितने भी हम लोग खिदमत करते हैं अपने मुल्क की अपनी धरती की कोशिश करते हैं कि इसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैले दुनिया में फैले। बहुत बहुत खूबसूरत बात किया खूबसूरत बातों में ना कभी ताली ना बजाना है अच्छी बात में मुल्क की बातों पे चुप हो जाते हैं वैसे हंसी मजाक के मैं बता रही थी मैं कहीं भी गई हूँ मुल्क में आपको तो बड़े अच्छे लोग मिले जो कोशिश करते हैं कुछ समझाने की फ्रेंच लोग तो मतलब आपकी तरफ देखते हैं आप अंग्रेजी बोल रहे हैं दिल पास पर उन्हीं कोशिश करेंगे आपको कुछ भी समझाने की तो अगर आप उनसे बात कर सकें अपनी बात समझा सकें तो ठीक वरना गए ये हम पाकिस्तानी हैं। मैंने जिंदगी में कभी अगर कहीं डरा हूँ ना जाके बाहर के मुल्क तो वो जर्मनी में मैं डरा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुस्सा ही इतना है सब लोगों वैसे देखते हैं बंदे को मेरा नाश्ता जरा वो बड़ा कप कपी आप कभी किसी पठान से नहीं मिले नहीं पठानों को मिलना मैं अरे पठानों से नहीं मिले उनकी जुबान में कितना नहीं नहीं वो बहुत अच्छे हैं मैं पेशावर में मैंने उस दौर में मैं कंटोनमेंट एरिया में गाने के लिए गया वहाँ पे बड़ा अच्छा मेरा फंक्शन था बहुत मेहमान नवाज बहुत इज्जत करने वाले रिस्पेक्टेबल लोग हैं बहुत इज्जत देते हैं और मैं समझता हूँ मैं आपको एक बात बताऊँ मैं क्वेटा गया हूँ क्वेटा में मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी गई सब लोग जितने भी हमारे सूबे हैं अल्लाह के फजल व करम से ये सारे फूल हैं खुशबूदार और इनको इकट्ठा करें जो पाकिस्तान क्या बात है आरिफ लाल साहब ज़ार शमा देस्ता ठीक है कुर्बान जाऊं मैं आप थैंक यू सो मच छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जो ब्रेक लगाई थी फिजा ने हमें पूछने से कि कैसा इनका जो है ईद का दिन गुजरेगा ब्रेक के बाद बताऊंगी छोटी सी ब्रेक के बाद आ रहे हैं आप ईद मिलन पार्टियां होती थी ना अब तो नहीं होती बच्चे बहुत मॉडर्न हो गए नहीं होती है यार होती है किसी स्कूल में नहीं बताते जैसे लाहौर में नहीं होती है हमें नहीं पता हम बड़े हो गए हम बड़े हो गए लाहौर में होती है जैसे मॉडल टाउन एरियाज हो गए इकबाल टाउन एरिया हो गया फैसल टाउन ये पुराने इलाके हैं यहां ये डिफेंस वगैरह में नहीं होती है बड़ों की भी होती है ऐसी बात नहीं है ईद मिलन पार्टीज होती हैं क्यों नहीं होती मतलब जो भी डिनर होते हैं लेकिन मुझे तो लगता है कि जो ईद की सबसे ज्यादा मिस करने वाली चीजें है ना वो है ईद कार्ड वो जो ईदियां और वो तो जो लिखे हुए होते हैं शाहरुख खान के कार्ड से जोड़ते थे बचपन में डब्बा डब्बे में केक वाले ना है ना उस तरह के वो नहीं आते अब पोस्ट कार्ड भी चीजें तुम्हारे भी क्योंकि काफी तुम फिल्म ज्यादा थी तो तुम्हारे भी बड़े पोस्ट कार्ड छपते होते थे हम शोबिज में ही थे हम काम कर रहे थे मगर वो मिलते थे हमारे घर की मेड्स वगैरह सारी लड़कियां ले लेके घूम रही होती थी मेरी सहेली कार्ड खुद बनाए जाते थे और सजाए जाते थे वो चीज़ चले हम एक वादा करते हैं एक दूसरे को ठीक है प्लीज हम एक दूसरे को कार्ड मैं उधार दे के थक गई और वादा कार्ड कार्ड से उधार ना दो अच्छा कार्ड दो अच्छा ठीक है हाथ से बना के अपनी तस्वीर ही दे देना पीछे ना कार्ड दूंगी ना टेंशन मत ठीक है कार्ड बड़ी खतरनाक है आप बड़ी खतरनाक है आप कार्ड ना दे दे गलती से ना हर चीज मिसिंग कार्ड हम चलेंगे या ईदी दे दे अब तो हर चीज या ईदी दे दे या कार्ड दे दे देखो ना देखो फिजा जो है ना बहुत बिजी है क्योंकि बांग्लादेश की कोई ना इनकी तो समझ नहीं आई थी मेरी समझ में बैठ गई मुझे समझ नहीं आ रही उनकी बात पे जल्दी यकीन आ गया ना मेरी बात पे भी कर भाई बहुत बिजी है उसके पास टाइम नहीं कार्ड बनाने और लिखने का तुम इधर आ जाओ इस तरफ टर्न मार लो इधर ना प्लीज आप ठीक है प्लीज आप प्लीज एक शेर शेर भी पीछे मेरे लिए पर्सनल ठीक है और आपसे रिक्वेस्ट तो मैं भी करने वाली हूँ ठीक है सिर्फ मेरे लिए सबके लिए जी जी आप यहाँ तशरीफ लाएं और आप कुछ सुनाएं ना ऐसे कैसे हो सकता है
मोहब्बत दिल चों को लेके नहीं जांदे, मोहब्बत दिल चों को लेके नहीं जांदे, मोहब्बत मजबूर वेके नहीं जांदे। मोहब्बत ने मजनू मुकासा बनाया, मोहब्बत ने राजे मुझो की बनाया, मोहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने। जिस तंगू लगती है ओ तंग जाने, जिस तंगू लगती है ओ तंग जाने, जिस तंगू लगती है ओ तंग जाने, जिस तंगू लगती है ओ तंग जाने।
सर ट्रैक किसने किया है ना इस ये इंग्लैंड से ये इस कैफियत में से निकलने का थोड़ा टाइम लगेगा सर ठीक है जिस तन नु लग दी है वो तन जाने है ना क्या बात है कब बता दो जितनी एनर्जी ओहो गाया है उतना एनर्जी से परफॉर्म भी किया और उतनी एनर्जी से दिल पे जाके लगा है ना सारे दुख ताजा कर दिए बात होती जो दिल से निकले और दिल पे ही असर करे क्या और सच ही ऐसी चीज है जो दिल पे असर करता है बिल्कुल झूठ कभी भी दिल पे असर नहीं करता सर शायरी का भी बड़ा असर है शायरी का अच्छा हमारे गुरु हैं हमारे सीनियर हैं ठीक है आप भी एडमायर करते होंगे बिल्कुल है ना ये तो ये जो 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 लुक थी ना आप इनकी सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो बड़े मैं तो कहती हूं ये जो जो लुक थी ना अभी परफॉर्म करते ये माशाल्लाह खानदान ही पाकिस्तान का बहुत बड़ा like हम आप भी बहुत अच्छे अमानत मेरे मुल्क की पहचान है अल्लाह इसे सलामत रखे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनों के आशिक हूँ बिल्कुल अपनी धरती के आशिक बिल्कुल अपने आर्टिस्टों के आशिक ऐसा ही अल्लाह ताला इसे सलामत रखे सॉरी आपको काट रहा हूँ इनकी जो बात बताता हूँ अच्छा सिंगर होना या वो सारी बातें साइड पे ये सब माशाल्लाह है लेकिन ये लाइव परफॉर्मर इतने अच्छे हैं कि इनके आगे भी चुके टिक नहीं सकते अरे नहीं टिक सकता कोई शक नहीं ये जो मैंने बात पूछी ना कि ऑब्वियस शदीद ऑब्वियस बात कि आप इन एडमायर करते हो मैंने इसलिए पूछी कि जो वो लुक थी आप इमिटेट कर सकते हैं कर सकते हैं एक दफा कैमरे में उस तरफ देख के ना अरे आप क्या ये जरा ज़ूम इन करें ना जरा ज़ूम इन करें जितने ये लाल हो रहे हैं हम देखना चाहेंगे ना 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 एक दफा है ये हो जानी चाहिए हो जानी चाहिए कि नहीं लेकिन जो भी लुक थी अच्छी लुक थी बहुत अच्छी थी सर वो अच्छी वाली लुक को दांत तो देना जी बहुत अच्छी थी पीछे देख क्या बात हमने वो तो एस्टैब्लिश कर ली बात कि परफॉर्मर तो फिर आपके पीछे कोई भी नहीं सो देखना चाह रहे ना जिन्हें आप हमने इतने शोज की 500 शोज एक साथ किए हैं बच रहे इधर-उधर कर रहे बात इधर-उधर हो रही है ना नहीं अमानत माशाल्लाह खुद इतना अच्छा आर्टिस्ट है और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में सच्चा आर्टिस्ट जो धरती से उठे वो देखिए आवाज तो सबकी माशाल्लाह से बहुत अच्छे आर्टिस्ट फनकार होता ही अच्छा है कोई किसी का कंपटीशन नहीं होता बिल्कुल, बिल्कुल, और पहचान बनानी आज के दौर में बहुत मुश्किल है मुश्किल है और अल्लाह ताला ने इसे इनके बड़ों की दुआओं का सदका और हमारी भी दुआएं इनके ईद होगी ईद होगी है ना पापा ने बड़ा परफॉर्म किया हुआ नज़ाकत अली जो मेरे डैड अच्छा उनके साथ बड़े वो मेरे साथ प्यार ही इतना करते हैं इनकी फैमिली इतनी अच्छी है मैं वही बात आ जाती है कि बैकग्राउंड आपका जो है ना वो आपके अखलाक से आपके बैठने उठने से पता चलता है तो बैकग्राउंड बहुत काउंट करता है आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप एकदम से किसी की अल्लाह माफ़ी दे को बात करते हुए आप बंदे को बिल्कुल डिवैल्यू कर दें हाँ। मैं समझता हूँ आज का दौर ऐसा है कि आप प्लीज़ 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 आज के दिन मैं कहूँगा एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें चाहे आप ट्रैफिक में हो चाहे आप कहीं हो आप कितने भी सैड हैं कितने भी दुखी हैं आप स्माइल दें ये तो हमारी सुन्नत है अल्लाह ताला की फजल करम से आप स्माइल दें ताकि दूसरा बंदा देख के आपको खुश हो और ईद का दिन है आज का दिन तो सेलिब्रेट जरूर करें और दिल की कदूरत को दूर करें बिल्कुल बहुत अच्छी बात मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जिस पे खर्चा कोई नहीं लेकिन आप खरीद लेते हैं वाह वाह क्या बात क्या खूबसूरत बात मैं इसी नोट पे जो है मैं चाहूंगी कि ईद का चांद होना एक बड़ी कहावत है और आजकल काफ़ी लोग जो है ना कि सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं तो उन्हें लगता है कि कॉल करना या मिलना ज़रूरी नहीं तो ऐसे कोई लोग जो आपकी ज़िंदगी में हो जिनको आप आज मैसेज देना चाहें ईद के हवाले से ईद मुबारक कहना चाहें आप सबके लिए मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ ब्रेक में सोचिए वापस आएँ और हम उधर से स्टार्ट करेंगे ठीक है छोटी सी ब्रेक वाला आप We'll be right back.
एक बार फिर खुशामदीद हमारी इस ईद मिलन छोटी सी पार्टी जो यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले तो जहाँ पर मैं छोड़ के गई थी जिस नोट पे, ये जितने लोग ईद का चांद हो गए, फिज़ा आप स्टार्ट कीजिए। कोई ऐसा इंसान जिसे बहुत अरसे से नहीं मिली और चाहेंगी कि कॉल आए या मिले इस ईद। मैं नाहिद अख्तर जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं चाहती हूँ किसी तरह उनसे मुलाकात हो जाए। मेरे रिश्तेदार तो सबसे मैं मिलती जुलती रहती हूँ, मगर मीडिया फ़ैन की होने की अगर बात पूछे तो मैं नाहिद अख्तर जी की बड़ी फ़ैन हूँ। मेरा बड़ा दिल है कि कहीं से उनसे बात हो जाए। और ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं ना चाहती हूँ, या रिश्तेदारों में या फैमिली में, सबसे जिससे मिली ना हो बहुत अरसे से। हाँ, बहुत हाँ, ये कह सकते हैं दूर के ऐसे रिश्तेदार जो मुझे देख रहे हैं उनको, तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और वो जो लोग फैंस हैं और वो जो लोग मुझे जानते हैं मुझे देख रहे हैं, तमाम लोगों को ईद मुबारक। वेल कनेक्टेड है जी। सुनो, तुम मुझसे भी तो नहीं मिली हो, मुझे अभी हम यही तो बात कर रहे थे, तुम उधर भी इधर भी मिली नहीं रही हो यार कराची लो। तुम्हें कब नहीं मिली? अब मिलोगी ना? अब बात करो, नहीं अब सही से कैसे मिलोगे मुझसे? अभी भी नहीं मिल रही, नहीं उठ रही, नहीं मिली नहीं रही। तुमने ख्वाहिश जाहिर की तो उठो, आज बता रही हूँ वो लड़की है, मैं लाहौर नई नई शिफ्ट हुई थी ना, तो मैसेज नहीं है, ये लड़ाई होनी चाहिए। मैं नई नई लाहौर शिफ्ट हुई थी, मैं किसी को भी नहीं जानती थी, ना किसी चैनल को ना लोगों को, तो मैं बैठ के जूप में खाना खा रही थी। आई रिमेम्बर उसने पीछे से अपने मियाँ के साथ बिल दिया और चुप करके निकल गई और बोला कि बस हो गया बिल। मैं ये तो अच्छी बात है ना। मैं जो स्टाइल में किया है ना, मुझे मैंने लगा अच्छा ठहरो कुछ बुरी बात है, मुझे लगा ना मैंने ये में किया है ना, फिर ये मेरे में बिल देके चली गई। तो मुझे बताओ ऐसी लड़कियों से दोस्ती कोई क्यों नहीं करेगा, कोई क्यों नहीं इंटरेस्ट पैदा करेगा? मुझे भी ऐसा लगा नेक्स्ट बिल तुम देते ना। और हमारी दोस्ती नहीं थी ये, तुम देखो हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, हमने काम नहीं, अब पूछते भी नहीं, अब पूछते भी नहीं, स्टार बन गया ना, अब पूछते भी नहीं है। देखो यार कराची चली गई तो तुम मूवी लड़े ना, प्लीज लड़े ना करो, लड़े ना, बस बस तीन लगाने की कोशिश कर रही है, आग नहीं जल रही है, लड़े ना। और वो भी देखें शो में पूछ लिया उसने ना, बंदा बेचैन में बात कर लेता है। बिल्ली ले लो मुझसे यार, अगर नहीं मिलना तो पैसे ले रही हूं कि बस अब तुम मुझे बुला लो ना अपने घर खाने पे। चलो तुम अब ईद के दूसरा दिन खाना तो मेरे पास खा दो, ठीक है? पहला इधर हुआ, दूसरा मेरी तरफ का। ओके डन। हमारा कोई ऐसा इंसान जिससे बहुत अरसे से नहीं मिले, चाहेंगे हमारी तरह लड़ना, लड़े उन्हें। मेरा एक दोस्त है बचपन का, उस्मान, स्कूल फ्रेंड है, और अभी रिसेंटली उसकी पढ़ाई ख़त्म हुई है, वो दुबई शिफ्ट हो गया जॉब के लिए। अच्छा। तो अब उससे उस तरह से मुलाकात नहीं होती। पहले ये था कि जब फैसलाबाद जाता था मैं उससे मिलता था, वो यहाँ आ जाता था। तो अभी ये है कि अब वो दुबई में है, तो मैं चाहूँगा कि उसको ईद विश करूँ। उस्मान साहब आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो, और जल्दी से जॉब छोड़िए और पाकिस्तान वापस आ जाइए। ये बहुत मैं उदास हो गई, मैं ये मैसेज सुन के रोना शुरू कर दूं दुबई में है, वापस आ रही हूं मैं, बहुत लेकिन 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 वापस आ जाइए। नहीं, बात ये है कि जज्बात तो है ना, देखिए आजकल तो भूलने में तो एक सेकंड लगता है, वो दिल में तो है ना। अच्छा, उसकी 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 ख्वाहिश क्या है? उसकी ख्वाहिश है कि वो कोई बिजनेस करे पाकिस्तान में, बिकॉज वो हमारी तरह है ना, बड़ा जिंदा दिल मिलने जुलने वाला, वो दुबई रहने वाला है ही नहीं। तो मैं अब उसको जिंदा दिल लोग नहीं रहते दुबई। अब जब मैं उसको कहना चाहूँ ना कि यार तुझे बड़ा मिस करते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहिए, अब मैं उसको ये भी नहीं कह सकता कि उसको ये फील हो गया यार इतनी मुश्किल से पढ़ा हूँ, मेरी जॉब मिली है, हूँ चांदा मैं वापस आ गया। मैं बड़े तरीके से दुआ बना के उसको देता हूँ कि यार अल्लाह करे तेरे पास इतना पैसा हो कि तुम कहीं भी रहो, करे कि तुझे दुबई की जरूरत ना हो, पाकिस्तान में आके बिजनेस कर, तो दुबई छोड़ दे। मेरे हमारी भी दुआ है आपके लिए इसमें कि आप जल्दी वापस आ जाइए, और मैंने तो इतने उदास ना जी, किसको याद करना चाहेंगे? जब भी ईद आती मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले मैं ये इसमें फॉर्मेलिटी ना समझी जाए तो अपने माँ बाप को लव यू कहें सुबह से, जब भी आप स्वीट सो स्वीट। और आज भी अगर मुझे कहीं देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है मेरे वाले साहब मुझे देख रहे होंगे, आज भी मैंने बहुत प्यार में हमसे करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, आई लव यू पापा। सर जज्बाती कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मैं मिस करता हूँ, जज्बाती, मैं जज्बाती नहीं, बात है कि मैं गलत बात फॉर्मेलिटी वाली तो करनी नहीं, जैसे अमानत ने कह दी, देखिए इतने उसने आज़ादा ना कहा कि मेरे दोस्त जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। ईद हमने सिर्फ कपड़े जूते शॉपिंग की डिस्कशन खाने पीनों में ही डिस्कशन में ही गुजार दिए कि ये हमने किया, हमने ये खाया। मेरे ख्याल में ईद का जो असल मकसद है वो उससे निकलते और हटते जा रहे हैं, वो ये था मिलना मिलाना ज़रूरी है और एक सुन्नत है जिसको हमने निभाना है, और अपने फैमिली रिश्तेदारों और खसूसन माँ बाप जो हैं, जब आपकी शादी हो जाती है फैमिली आप
आगे बना लेते हैं, तो फिर वो माँ बाप को कैसे आपने जोड़ के रखना है अपने साथ, उनको ये एहसास नहीं दिलाना कि वो यानी कि हम उनसे अलग हो गए हैं या यू नो। तो बिल्कुल कि वो भी हमारी जिंदगी का अभी भी हिस्सा है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ हमारा टाइम चाहिए। लेकिन ईद के रंग जो है वो यही बहनों के साथ होते हैं, जैसे वो चूड़ियाँ खरीदती हैं वो अपने। अच्छा, ये रंगीन होती ही रिश्तों के साथ है। मैं क्योंकि 5 बहनों का भाई हूँ, आज 2 बहनें मैं मिस करता हूँ, वो नहीं है दुनिया में, लेकिन आज भी उनकी याद मेरे साथ है। लेकिन ये रिश्तों के साथ ही ईद होती है। मैंने ये देखा है कि जिनके रिश्ते नहीं होते, पूरी दुनिया में आप चले जाएं, बाहर चले जाएं, उन्होंने कुत्ते पाले होते हैं बातें करने के लिए। हम रिश्तों से तंग पड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम कदर ही नहीं। जरूरी रिश्तों को इकट्ठा करने के लिए ईद बनी थी, ना कि जुदाइयां डाल दे बंदा। माँ बाप जो है ये अल्लाह ताला ने देखे कैसा वो बाप होगा, जो पता नहीं कैसे कैसी एम्बेरसमेंट मूवमेंट से वो गुजरता है, और वो जाके और वो लेके आता है, कमा के लाता है। मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े लेके आऊँ, मैं अपने बच्चों के लिए जूते लेके आऊँ, मैं अपने बच्चों के लिए ये ख्वाहिश पूरी करूँ। बिल्कुल, कितना बड़ा दिल होगा उस बाप का। बिल्कुल, वो माँ जो मीठा बना के, जो हर चीज़ बना के घर में रखी होती है, क्या उसके मुंह में पानी नहीं आता होगा? क्या उसके पेट नहीं है या उसके जज्बात नहीं है? सब कुछ रखे हुए, मेरे बेटे आएंगे, मेरी बेटियाँ आएंगी, अभी खाएंगी, उनका इंतज़ार बढ़ाओ मत, अब जाओ उनको गले लगाएं और प्यार से मिलें और उनका। आपने अगर मजीद कुछ कहा ना, मैंने इस्लामाबाद चले जाना है अभी। मुझे याद आ गई अपनी अम्मी, मैंने इस्लामाबाद चले जाना है। माशाल्लाह से मुझे खुश नसीब है, अल्लाह ताला ने ये रिश्ते आपको जितने भी दिए हुए हैं, बिल्कुल आप उनको अवेल करें। अच्छा, बड़े लोग ना बड़ी बातें करते हैं, नहीं, बड़े बड़ी खूबसूरत कर देते हैं ईद भी। बिल्कुल, इतनी ऐसी सुनने वाली बातें जैसे जो जो टीवी पे देख रहे हैं उनको इस तरह समझना चाहिए जिस तरह अभी मैं बिल्कुल गुमती ऐसी बात। बिल्कुल बिल्कुल, सबक होती है ये बातें जो हमें सुनने को मिल जाए। हमने भी सीखा, हमने भी यही सीखा। और मैं अभी एक दिन पहले मैं गया था, मेरा छोटा सा बच्चा है अभी, वो बिल्कुल 4 साल का है, तो मैंने जूती बाहर उतारी हुई थी और मुझे नहीं पता कि वो कैसे उसके जेन में आया, वो भाग के बाहर गया और उसने जूती जो है मेरी क्यू पे लगाई कि वो मेरा पापा आ रहे हैं और वो पहन के। मेरे लिए बहुत बड़ा अल्लाह जिंदगी दे। हाँ, ये चीज है, इसे मत छोड़ें, इसे मत छोड़ें। कामयाबी, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ आपको मिल जाएगी। याद रखें, शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, ये रिश्ते आपको जब चले जाएंगे नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत खूब। हमारे मैं चाहूँगी, हमने इतनी प्यारी बात की है, बाकी एक्टिविटीज़ पे हर चीज़ पे हम बाद में, अगर आप एक खूबसूरत सा गाना हमें सुना जी। शोर दुनिया मुझको देती ताने, मैं चल्लार लोग सियाने, रब मेरे तू सबसे वखरा, बुल्ले की बातें बुला जाने, मन धरती खली करावन दे, पैरों विच झांझर पावन दे, मेरी इज्जत कोई न घट दिए, कहंदा कंजरी अखवावन दे। नच के यार मनावन दे, मैनू नच के यार मना।
कसमा नू खाना है हिस्से है दर दर की ठोकर घर भागना कोई ठिकाना है सर पे है साया मौला का पैरों में मेरे जमाना है लुट जावन दे रुल जावन दे मैनू गल विच माला पाउन दे मैनू किसी को पता है वेलकम बैक जी वेलकम बैक किसी को गाना पता है ये कौन सा गा सकते हैं है? थोड़ा सा तो गुनगुना दो कलाकार दिल है किधर है माइक का है जी माइक लेके जाए इनके पास थोड़ा सा साथ दीजिएगा चले हम भी देंगे सारे मिलके नादान क्या ढूंढे है तू ऑन तो कर दो माइक ऊपर करना हर चीज तो मिलती नहीं बाजार में हंस के जरा एक बार तू जो मांग ले दिल तो है क्या जो बार तू मैं प्यार में बस बस क्या बात है भाई क्या बात है जबरदस्त पता है फिजा भी बहुत अच्छा गाती हैं दिल को चुराने वाले आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं मन को सजाने वाले जीवन में आने वाले जीवन से जाना नहीं मैं जवान मैं हंसी मेरे पास क्या नहीं हो मुझको भुलाना नहीं ये माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड हमारी जो है यहाँ पे होस्ट भी है खूबसूरत आंखें बैठी मेरी तुम्हारी छोटी छोटी आंखें माजरत अब मैंने तुम्हारी भी आंखों की और अपनी भी आंखों की तारीफ नहीं की चाहिए अच्छा ना अपने आंखों को भी साथ लगा दो ना है बिस्ती भी फिरो तो तारीफ नहीं हुई बिस्ती नहीं है छोटी छोटी आंखें तुम्हारी कोई बात नहीं मेरी हमारी चाइनीज है ना छोटी छोटी है ना वो छोटी इनकी देखो तीन आंखें बड़ी बैठी है हमारे सामने माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ तक खत्म है तीन माशाल्लाह छोटी हो चाहे बड़ी 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 नजर तेज होनी चाहिए नजर तेज होनी चाहिए वैसे भी आंख छोटी हो या बड़ी लड़ ही जाती है क्या खूबसूरत आवाज की आपने है जी अच्छा मेरी जो अगली एक्टिविटी है हमें पता है कि फिजा गाती भी बहुत अच्छी है और होस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है तो एक्टिविटी ये है कि आपके एक शो में आप जहाज बांट रही हैं या अल्लाह ठीक है जी अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है तो आप लोगों को मिल रहे हैं जहाज अच्छा जीतेंगे लेकिन आप सब खुश सबने होने से सबको जहाज मिलने लगे लेकिन जीतेंगे अमानत ठीक है तो वो जो खुशी होगी ना जब आपको बताया जाएगा तो आपने वो ऑडियंस में से वो इंसान बनना है जो जहाज जीत रहा है और आपने जो है ना फुल हाइप क्रिएट करके वो जहाज बांटना है तो दोनों आ जाए सामने आ जाए जी आ जाए कैश देते हैं आप करना क्या आ जाए मेरे साथ टास्क है बाकी कोई किसी को जहाज नहीं चाहिए सबके लिए अलग अलग ऑडियंस भी तो चाहिए ना अच्छा ठीक है हम ऑडियंस हैं अच्छा करना क्या है सारे जहाज आप जीतेंगे आप उसकी खुशी करनी है हमारे तो काम करें ना प्लीज आप जाके नजर ऑडियंस में तशरीफ रखें आ रहे खुश हो जाओ
अच्छा वैसे पहले तो आपने ये हाइप क्रिएट करनी है कि हम बांटने जा रहे हैं जहाज, ठीक है ठीक है, और उसके बाद क्रेजी हो जाना है वहाँ पे सारों ने मान, आपने ना कन्विंस करना है कि जहाज आपको ही मिले। ओके ग्रेट हो गया सना, मैं और आप और आरिफ सब हम भी शो डाल सकते हैं जहाज के लिए, कुछ रियल में मिलना भी चाहिए ना ताकि मैं जहाज दूंगी, मैंने साइज नहीं प्रॉमिस किया, जहाज आपको जरूर मिलेगा। ठीक है हम वो लोग हैं ना कि हमें इस शो के पास दिलवा दें प्लीज। हाँ ठीक है अच्छा तुम वो लोग अच्छा, अभी हम जाएंगे मगर ब्रेक के बाद ऑन एयर, ठीक है ना, ऐसे आप आएंगी मेरे पास, आप मेरी मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप आइए, आप आइए, आप मेरी मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर आप बबल के, नहीं नहीं आप मेरी असिस्टेंट हैं सर प्लीज, मुझे शो समझाना, ठीक है, क्या ब्रेक में हमने क्या करना है, नेक्स्ट ब्रेक में आपने मुझे समझाना है, फिर आपने जाकर ये कर देना है, ठीक है, जहाज बांटना और हाइप बनाना, आपने पूरा, हाँ मुझे ऐसे आपने पूरा नई वाला काम करना, ठीक है मैं, ठीक है ऑन एयर चले, आप जाने से पहले मुझे बोले, अच्छा फिर जहाज हमारे, हाँ हाँ ठीक है, फिर हमारे पास जहाज जो है वो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन हाई मैं बहुत क्या हूँ, ये जो बेवकूफ आवाम है ना, हाँ हाँ, इसको मैं कैसे उल्लू बनाती हूँ, बस ठीक, उनको ये तो पता है नहीं कि जहाज का पेट्रोल मिलेगा कहाँ से, मगर तुम देखना मैं वहाँ जाके पेट्रोल भी बेच दूंगी, आपने क्रेजी कर देना, आपने क्रेजी कर देना, जहाज कहाँ रखा, आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, देखना मैं जाके करने क्या, आप कर लेंगे, आप कर लेंगे, समझाओ ना तुम, देखो मैं क्या करती हूँ, बेबी ओके, बेबी यू कैन, ओके ओके, गुड लक, ओके बाय बाय, ओके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, क्या अच्छा, तो जिस चीज का था आप लोगों को बहुत इंतजार, वो घड़ियां खत्म होने को जा रही हैं और हाथ उठाएंगे जहां पे ज्यादा बहुत शोर मुझे समझ आएगा या दिखेगा, उसको ही आज मैं जहाज के लिए यहां पर बुलाने वाली हूं, तो शोर मचाओ, तुम आ जाओ, फौरन 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 फौरन, हाँ माइक दीजिएगा जरा, जल्दी से माइक दीजिएगा, क्या नाम है आपका, फिजा कैसी हैं आप, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन, अच्छा हो सकता था, हो सकता था मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपको जो जहाज चाहिए लंबी खातून के साथ खड़ा हूँ तुम जहाज लेने आए हो या जहाज का पंखा चलाने आए हो, इतना बड़ा फैन जो तुमने आते के साथ मुझे बोल दिया, नहीं नहीं ये तारीफ थी मेरी, मेरी तारीफ के ये अल्फाज होते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हें जहाज क्यों चाहिए, एक ऊंचा लंबा कद, वो जो गाना भी, बहुत तारीफ हो गई माशाल्लाह, मतलब ये बताओ जहाज क्यों चाहिए तुमको, जहाज मैं क्यों तुम्हें जहाज दूं, पहले मुझे आप ये बताएं ये जहाज वो वाले तुम्हें जो थाने में ले जाते पकड़ अच्छा देखिए जी वो जहाज है, हम सिर्फ उन लोगों को दे रहे हैं जिन लोगों के पास पैसा है, अफोर्ड कर सकते हैं, इसका पेट्रोल भरा सकते हैं और इसको फिर हवाई अड्डे में खड़ा कर सकते हैं, ये इसका लियारी नौरंगी या फिर कोरंगी से तो आपका इसका तेल मिलने वाला नहीं जहाज का ना तो पेट्रोल, तो आपको कहाँ से मिलेगा पैसा, पीआर, सोशलाइज, कितने वेल कनेक्टेड हो ये बताओ पहले, ये तो सब फिर आप इंतजाम भी साथ ही करेंगे ना, अगर जहाज देंगे तो तुम्हारी सोशलाइजिंग से मेरे जहाज का या मेरे शो का क्या ताल्लुक है, मैं तो तुम्हें तभी जहाज दूंगी ना जब तुम वेल कनेक्टेड या फिर पीआर में बड़ी हाइप रखते होगे, लोगों से जान पहचान होंगी, बड़े ऊंचे लेवल पे कॉल चली जाती होंगी, पंगे साढ़े को नहीं जहाज देना दो आप क्या करेंगे जहाज का, क्या बताए, सेल्फी बनाएंगे, अच्छा ये बताए जो जहाज में आपको दूंगी से रखेंगे कहाँ, अपनी कार पार्क पे, मेरे पास बहुत बड़ा घर रख लेंगे, बहुत बड़ा घर है और आपको इजाजत कौन देंगे, जा रहे देते कि हम देंगे, जो हम देंगे इजाजत ही हुकूमत देगी आपको, जो जहाज ये देंगे ना वो तो अलमारी में रख लें आप जाके अच्छा हम एक काम करते हैं ना, हम इन पे मेहनत करते हैं, इनको सिंगर बनाते हैं, इनको मशहूर बनाते हैं, पहले ये जब फेमस हो जाएंगे तो पैसा ही पैसा इनके पास, आप गाना वाना जानते हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा, अच्छा तो ठीक है माइक दीजिए जरा देख लेते हैं, अगर ये गाना गा सकते हैं तो मैं जहाज इनको दे दूंगी, लग रहा मेरा ऑडिशन ऑडिशन ऑडिशन, जिंदगी है रे भी काफी परेशान, ऐसा है
ऐसा है ख्याल में जहाज हमें यही कह दे आप। मेरे सर ने यही कहने वाली थी सर एक्चुअली हमारी होस्ट बहुत अच्छा गा गई है तो हम जहाज उन्हें दे रहे हैं। आपको हम ब्रेक में आपको 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 आज तो फैसला होगा सर आप बताएं किस चीज का। ये सना जी सर सना क्या कहना चाह रही है बात सुने बात सुने ये गाने के मुकाबले पे नहीं जहाज मिला। हाँ हाइट के मुकाबले गाने में तो आपका मुकाबला कोई भी नहीं माशाल्लाह। थैंक यू सर। हम जहाज से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज चले जाएं इनके घर में। असल में जहाँ जहाज खुद गाने वाला हो तो वो आपकी हाइट जहाज से मेरा जहाज कह दिया बता रही हूँ आखिरी शो है इसकी जिंदगी का। जाओ मैंने रोका है मैं एक ब्रेक लेती हूँ हम ब्रेक में ये डिसाइड करते हैं कि जहाज कहाँ जाए। तुमने आग लगाई है तुमने जीना हराम किया पूरा शो बर्बाद कब से लड़ाई वेलकम बैक। और अगली जो मेरी एक्टिविटी है वो बड़ी ही मज़ेदार है जैसे पहले वाली थी और मैं स्टार्ट जो है वो आरिफ लोहार साहब से लूँगी। आपके पास चांस है कि आप इन तीनों में से अपना एक टीममेट सिलेक्ट कर लें जो आपके साथ हो। मेरे साथ तो सारे ही हैं। एक आप जिनको बताएं कि किसके साथ करें। मैचिंग आपकी एक्चुअली मेरे से बिल्कुल होता है ना ठीक है तो फिर ये हो गया और ये हो गया ठीक है ये मैचिंग के लिहाज से ठीक है हमने कोई फेवरेटिज्म नहीं किया इसमें आप दोनों टीम्स हैं। मैं आपको रूल एक्सप्लेन कर देती हूँ ठीक है। मैं आपको दूंगी एक पेपर जिसके ऊपर या कोई डायलॉग होगा या कोई मूवी का नाम होगा या कोई चीज़ लिखी होगी और आपने अपने टीममेट को बगैर कुछ बोले सिर्फ इशारों से जो है वो गेस कराना है कि वो बात क्या है ठीक है। और जो गेस करा देगा उनका एक नंबर हो जाएगा। डम शरीड्स ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं से। बोलना नहीं आपने ठीक है और छुपा के रखना है और आप दोनों कन्फ्यूज कर सकते हैं। ओके आपने ठीक है जी स्माइल देखे ना माशा और मैंने बूझना है आपने बूझना है ठीक है कि क्या था वर्ड। अब ये बता सकते हैं कि उर्दू है इंग्लिश है या पंजाबी। ये पंजाबी है। ओके अच्छा मुंह से कह रहे हैं आप कह रहे थे नौकर वोटी था हमारे मुझे पता है मैं देख रही थी चीटिंग हुई मैंने असल में कह दिया था। घूम के आ जाओ अब आपने। हाँ जी है क्या ये बता दो फिल्मी है ना मूवी। तीन वर्ड्स है मैं गेस करूंगा और अगर ये ना गेस कर सकी तो हम दोनों में से भी कर सकते हैं गेस ठीक है। अगर अगर व्हेन शी गिव्स अप अगर गिव्स को गिफ्ट भी तो रखना चाहिए ना। हां हां है उसे वो अलग से मिलेंगे गमले ले जाएंगे अब घूंघट आंचल आंचल नथनी कोका है ना घड़ी उठायर जो लाइन लाती घूंघट छुपा चांद छुपा नहीं खूबसूरत चेहरा छुपा सेहरा दूल्हे का सेहरा नहीं मुझे उतो बड़ा इतना लंबा ये कितने छोटे मियां बड़ा भाई सही पढ़ा पाकिस्तानी में भी है सही पढ़ा अच्छा मुझे मुंह छुपा मुझे नथनी नहीं नथनी है नथनी है ना चोरी है चोरों की बारात इसमें चोर कहाँ था इसमें चोरी कब हुई है नहीं इस बारात में तो काम है ना आपको गाइड करना है दूल्हे का सेहरा अभी वो जैसे मर्जी हो दूल्हे का सेहरा सेहरा दूल्हा के का सेहरा सुहाना हम काउंटडाउन शुरू करने लगे लगता है इतनी
सोच के बोलो, ज्यादा नहीं बोलो। आप उनको दिखाएं। हाँ जी। नहीं सर, मैं आपको दिखाऊंगी, फिर आप उन्हें गेस करवाएंगी, वरना अगर इन्होंने नहीं किया तो। नहीं, वो तो करवा चुके हैं। बहुत अच्छा एक्टर, वो तो करवा चुके हैं। बाबे की जी जी, बाबे की बाय, बाबे की बाय, बाया बा बा, बाबे की बा, चीटर बा, चूड़ी, बाबे की चूड़ी, पंजाबी, बाबे की चूड़ी, बाबे दी चूड़ी, माशाल्लाह, बाबे दी चूड़ी, बाबे दी चूड़ी पे तालियां हो जाए। बाबे दी चूड़ियां, ये आने वाली फिल्म है। करीब हूं ना मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं पंजाबी नहीं हूँ ना, उर्दू स्पीकिंग हूँ। यही बढ़ाया तुमने मुझे। क्या बात, तालियां, जीत गए, बस जीत गए, बता दिया। नहीं, वो हल्की उर्दू डाल दी ना बीच में, बताना तो नाम तो ये बताया। अच्छा, मैं कब से भाभी भाभी कर रहा हूँ। भाभी दिया चूड़ियां था भाई, इतना आसान था। चले जी, अभी तक एक नंबर जो है वो सना और ये गेस करा सकते। मैंने कौन सा गेस करा? नहीं नहीं, ये इसको है। ओह शिट, ये कौन करा लेंगे गेस? नहीं नहीं, कराएंगे ना। अच्छा चले, एक और आपको मौका देते हैं। तो अभी टर्न दी ना। चले ना, हार गए ना, मार्क्स नहीं मिले ना। चले, तो गेस किसने ले? ये फिजा ने। क्या कहते हैं, खालिस उर्दू? अब तो उर्दू है। हां, खालिस उर्दू। ओ मैं सुल्तान, ओ गब्बर, नहीं, ओ जवान, जवान, ओ मैं, ओ तनु, मैं चुपके ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। दो मनी कह रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं, मूवी गेस करनी है। और तनु मैं, और तनु, देखो मेरा काम है तुम्हें मिस गाइड कर, गाइड नहीं मिस गाइड कर, प्रॉपर यार। ये याद रखो, रुस्तम पंजाबी मूवीज ही है, ठीक है? रुस्तम खटक नहीं, रुस्तम, ओ नहीं नहीं, पंजाबी पंजाबी का वर्ड नहीं है, गब्बर सिंह, ओ नथनी, नथनी, आई अल्लाह मैं मर गई। ये क्या कर रहा है अल्लाह, यार मैं क्या कर लूं। अच्छा, कभी गब्बर हमारे में, अच्छा बताता हूं, ये जो गाइड गाइड यार कैसा होगा, कभी हम गब्बर, हर कभी हाय अल्लाह, मैं क्या गेस करूं। नहीं नहीं, उसने बड़ा सही बताया। आपने ये गेम खेली भी है ना? एक्चुअली ये गेम बहुत डिटेल्स में भी जाती है, वर्ड टू वर्ड समझाना होता है, लेकिन अभी टीवी पे उतना टाइम कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है। ये तो बताओ ना, दो वर्ड्स हैं, पहले वाले एक्ट आउट कर रहे हो, सेकंड वाले एक्ट आउट कर रहे हो। चलो जी, मेहमान अटेंड करके आ जाए। आप एक पावर नैप ले लीजिए। गब्बर नहीं है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये देखो ना, अमानत के लिए औरत, औरत नहीं, इससे अच्छा क्या कर सकते, बहुत बहुत अच्छा किया था। अमानत के लिए तालियां हो जाए। सना, अब ये गेस कराना है आपने, चले। अच्छा ठीक है, नागन, ताज़िल, फिज़ा, फिज़ा नाराज़ होगी, फिज़ा आपको मैं, अरे नहीं होता यार। अच्छा ये ले, ठीक है, ले उर्दू स्पीकिंग। अच्छा ताना दिया, ये उसने पहले लिख लिया, हाँ बाद में नून लिखा है ना, तो गलती मेरी, बता दो। हाँ बता भी दो ना पहले हमें, ठीक है, चलो ठीक है। वैसे इतनी फेमस फिल्म नहीं है, बाकी फेमस नहीं, अभी बताइए। वैशी हसीना, वैशी औरत, मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। बाय द वे, वैशी औरत मूवी नहीं है, मूवी का नाम है वैशी हसीना, मुझे अब याद आ रहा है। सारी औरतें हसीन ही होती हैं। आहा, अच्छा मेरे से वर्ड्स में जाना, अमानत मेरे से वर्ड्स में जाना, ठीक है, मैं एज इट इज जो बोलूंगी। नींद मेरी, मेरी का उल्टा क्या होता है? बहुत अच्छा कह रही है। हमारी, हाँ नींद हमारी यहाँ पर हो गया, ठीक है। अच्छा देखो जरा, ले ली हमारी, ऐसे लेते हैं, ठीक है, नींद हमारी। क्या देखते हम, मतलब नींद हमारी, ख्वाब हमारे, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे। अच्छा जी, अगला जो है इसमें कोई कोई चॉइस नहीं होगी, ठीक है, और ये जो है टाई ब्रेकर राउंड है। अभी तक जो है ब्लैक टीम जीत रही है। हम जीत चुके हैं, क्या बात है, हमने तीन गेस किए हैं, हम तीन गेस करके भी हार रहे हैं, हमारा फेवरेटिज्म चल रहा है। ओके ओके, इन्होंने दो किए, नहीं बोलना नहीं, अच्छा मुंह से बोलते हैं, बोलना नहीं, चीट नहीं, चीट नहीं, और दूसरी तो पूरी बात हो गई कहानी, मैं क्या करूं ना, बोल, आहा बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं, फिर बोल दिया, फिर बोल दिया। भाई तुम लोग मुझे डायवर्ट कर रहे हो। महबूब हो गया, महबूब,
घनचक्कर, महबूब घनचक्कर। नो, आपने कर दी, इनका है। इसने भी तो बहकाया था। महबूब पागल। महबूब पागल। ये मुझे ना नजर नहीं आ रहा उनके लिप्स। दीवाना, छल्ली। अच्छा आप अभी भी मुंह से बोल रहे हैं। बोलना है तुम लोगों ने, नहीं बोलना। ठीक है ना? लाला जी अभी भी मुंह से बोल रहे हैं। परांदा हिला रहे हैं, परांदा। महबूब परांदा हिला रहे हैं। पागल, दीवाना। नजदीक है, नजदीक है। मजनू, दीवाना। आगे क्या आता है? पागल खाना। दीवाना जैसा। दीवाना जैसा लुगत, जैसा दीवाना का झांकिए, वैसे ही वो आता है पागलखाना। ये किधर से आवाज आई है? किधर से आवाज आई है? ये काउंटडाउन। महबूब, 10, 9, 8, 7, 6, 5 मस्ताना। अच्छा जी, मैं डिसाइड नहीं करूंगी आप लोगों की चीखों ने और शोर ने डिसाइड करना है कौन सी टीम जीती है। दोनों पहला, पहले तालियां हो जाए ब्लैक टीम के लिए। एक सिटी भी आई है, एक सिटी मैंने याद हो जाते हैं। ठीक है, अब तालियां हो जाए व्हाइट टीम के लिए। मैं कुछ नहीं किया। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आप सब।